40 दिन तो महकमे नूं बार बार एक रिक्वेस्ट दे रहे सीगे, महकमे ने कोई एक्शन नहीं लिता। अज की डेट भी महकमे ने कोई एक्शन नहीं लिता है, तो सिर्फ सानू टॉफियां दे रहे हैं, वह लॉलीपॉप दे जा रहे हैं कि फीस भर दो, धक्का साढ़े नाल कर रहे हैं कि सानू पैसा दो, जितों मर्जी दो, चाहे तुम अपनी प्रॉपर्टी बेचो, चाहे तुम अपने आप नूं बेचो, जो मर्जी करो। मेन समस्या परेशानी हुण पहलां तां इह दस दो भी आई की है, कादे वास्ते फिर तुहानूं इह लोड़ पै गई कि आखर कर रहे घाटा पैणा शुरू, क्योंकि चंडीगढ़ दे ठेके तां पहले तों मशहूर हुंदे कि पंजाब नालों वी ज्यादा सेल। सर पंजाब की जिहड़ी पॉलिसी दे नाल चंडीगढ़ दी पॉलिसी दा कंपैरिजन नहीं है, चंडीगढ़ के एक एक दुकान जी है 13-13 करोड़ रुपए की हैगी, जिंदी सेल 1 लाख रुपए भी नहीं आ रही है। पंजाब के एक करोड़ रुपए की शॉप हैगी है, जिंदी 2-3 लाख रुपए सेल आ रही है, और चंडीगढ़ के जिहड़े रियल स्टेट का रेट है 505 रुपए है, और पंजाब के 312 रुपए है, जिंदी परचेज पंजाब के 125 रुपए 150 रुपए, तो चंडीगढ़ के है 300 कुछ रुपए मान लो, तो ये जोड़ा है गैप जो है बहुत ज़्यादा बड़ा आ चुका है। और इस टाइम मतलब कि एज पर चंडीगढ़ की एक्साइज पॉलिसी के अनुसार अपने चंडीगढ़ के लोगों भी एक धोखा हो रहा है, उन्होंने भी लुटे ही जा रहा है। जी पहला मुद्दा की पंजाब के पॉलिसी से उन्होंने एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा सी, साड़ी घट सी, चंडीगढ़ टूरिस्ट प्लेस ही ड्यूटियाँ घट हो, शराब सस्ती सी, टूरिस्ट प्लेस है पूरे पंजाब तो, इतने हाई कोर्ट साडा एक है, विधानसभा साडी एक है, लोग काम कर आते, तुम भी देखते हो कि हर बंदा शराब लेके जाता है, जिहड़ी चंडीगढ़ की लोकल सेल है वो अद्धी भी नहीं सी, अद्धी टूरिस्ट प्लेस की सी, हुण जदों पंजाब च सस्ती होगी, इन्नी ज़्यादा सस्ती होगी, कोई बंदा शराब खरीद नहीं आ रहा, उल्टा जिहड़ा चंडीगढ़ का लोग पंजाब चो खरीद के लैके आ रहे हैं। शराब वो चंगी माड़ी असीं कोई कमेंट नहीं कर सकते, जिहड़ी जिहड़ी पंजाब की बीयर की पेटी उन्होंने घर आ रही है 450 रौला तो उही रह गया ना जी, पहला पंजाब वाले पिट मोहाली डिस्ट्रिक्ट का रेवन्यू से पहले बहुत घट रखते, जो चंडीगढ़ के नाल लगता है, पूरी पंजाब एड्डी वड्डी स्टेट है, कोई हिट नहीं आता। चंडीगढ़ की पॉपुलेशन है 10,08,00,000 करोड़ रेवन्यू दे रहे हो, तुम पर डे कैलकुलेट करोगे आपके हिसाब में ला लो, जी चंडीगढ़ की एक दुकान है जो ड्यूटीज पा के देखा जाए तो एक दुकान 7 करोड़ to 8 करोड़ की एक दुकान पैंती है एवरेज, चंगी माड़ी नूं मिला के लोकेशन वाइज है 7-8 करोड़ की एक दुकान है, जे पंजाब दा रेवेन्यू नाल पंजाब दीयां दुकानां नूं कंपेयर करोगे तो 1.25 करोड़ के एवरेज आऊगी। ठीक है जी, साड़ी चलो हमने कहा जो 8% है वो आप हमें TR में कैलकुलेट कर दीजिए, हमारा एक बेसिक होता है 18 लाख पेटी का चंडीगढ़ का बेसिक होता है, उसके बाद पॉलिसी के अंदर 50% जो कोटा होता है वो एडिशनल होता है, राइट हो गया, उसके अलग चार्जेस होते हैं। हमने इनको कहा कि आपको एक बेस प्राइस जो हमारा था दुकान का, मेरा 4 करोड़ 70 लाख रुपए बेस प्राइस था, तो मैं बेस प्राइस पे आपको 4 करोड़ 47 लाख रुपए एडिशनल पे करने के लिए तैयार हूं। एक इंस्टॉलमेंट हाँ, आप मुझसे 9 इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, एक एडवांस ली है, आप मेरे से 10 इंस्टॉलमेंट ले लीजिए, एक मेरी इंस्टॉलमेंट आप एक्सटेंड कर दीजिए, रिवाइज करके उसको, राइट हो गया। अब इतनी सपोर्ट हमने ऑलरेडी दे दी कि एक्साइज का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो फिर सपोर्ट में खड़े हो गए, अप्रॉक्सीमेटली 86 करोड़ रुपए हमने तब हाई अप दिया जो सरकार का बेस प्राइस था, जिस बेस प्राइस पे इन्होंने जॉब्स का रखा, जिसमें इनका रेवेन्यू रिजर्व प्राइस, जिसमें इनका रेवेन्यू सिक्योर हो रहा था, तब भी हमने 86 करोड़ हाई अप करके जो है शॉप्स उठाई, वो भी सपोर्ट की। लेकिन आज हम ट्रबल में हैं, अगर हमारा आज मेरा 2,65,000 रुपये पर डे का एक्साइज और एक्सपेंसेस बैठते हैं पर डे के, और मेरी सेल ही 1.5 लाख रुपए 1,70,000 रुपए आ रही है, तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, उसमें मुझे शराब के पैसे अलग पे करने हैं, कंपनी वो इंक्लूड है उसके अंदर, तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। आपने EDP एक बार बताया, EDP होती है जो समझ लीजिए आप शॉर्ट में समझ लीजिए, जो मतलब बिल है एक रॉयल्स जैसे IB है, IB की EDP 1200 रुपये, ठीक है, रॉयल स्टैक की EDP 1500 रुपये, 3 गुना महंगी हो गई है, हमारी ड्यूटीज इतनी हाई है। और जैसे बाकी स्टेट्स तो आप तो पंजाब से कंपेयर कर रहे हैं, हमारा पंजाब ही बैठता है सारा, दिल्ली से कोई मतलब ही नहीं बैठता, दिल्ली हरियाणा हमारा सारा बॉर्डर पंजाब को लगता है चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ कितना सारा उसमें है, अब आप लगाइए आप हमारी एक एक दुकान 6-6 करोड़ रुपए की 5-5 करोड़ की है, अब आप पंजाब को कंपेयर करिए, पंजाब की एक दुकान 1 करोड़ रुपए की बैठती है जाकर।